जोहार इन जय हिंद। सब लोग कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। सब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को भली भांति पता होगा कि परसों ही, ठीक है, और जेक के द्वारा यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जे टेट का सिलेबस जारी कर दिया था, जो कि भारत के कोई भी एग्जामिनेशन में इस तरह का सिलेबस नहीं दिया और रहता है। लेकिन जे टेट के सिलेबस में इस तरह कर दिया है कि आदमी पढ़ के पास ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि और कुछ दिन पूर्व ही आप लोग को पेपर में भी देखने को मिला होगा कि सितंबर में एग्जामिनेशन होगा। तो बताइए, इतना बड़ा सिलेबस कैसे खत्म होगा 15-20 दिन में पढ़ के? ये कभी पॉसिबल भी नहीं है। ना आप कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, ना कोई टीचर और इस सिलेबस को पढ़ा सकता है, क्योंकि इस तरह का सिलेबस ही बताया गया है। एकदम IIT जाम का सिलेबस दे दिया गया है। तो कहीं से भी ये न्याय और संगत नहीं है। ये झारखंड के छात्रों के साथ एकदम खिलवाड़ है। रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में इस तरह का दे दिया गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस उसको दिया ही नहीं, बस बोल दिया है कि ये पढ़ना है। क्या पढ़ना वो पता ही नहीं है। एक प्रकार से ये बाहरियों को लाने का तरीका है। जिस तरह से सरकार बाहरियों के लाने का प्रयास कर रही है, सीटों को बेच रही है, उसी लिए जो है रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज तो झारखंड के लोग तो अच्छा खासा मार्क्स ला लेते हैं, फुल में फुल ला लेते हैं, ठीक है। इसलिए झारखंडियों को पास नहीं कर पाए, इसलिए इस तरह का सिलेबस ला गया है, ताकि आदमी सिलेबस देख के उसका माथा चक रह जाए और तैयारी ही ना करे, ठीक है। तो उसी की रिगार्डिंग जो सिलेबस के रेडियोज कम करवाने के मद्देनजर जो कल ही एक बैठक किया गया था, और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि 23 अगस्त 2024, यानी कि आज 23 अगस्त 2024 है, आज ही 10 बजे से जे कार्यालय जाना था, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने वहाँ पे गए थे, ठीक है, और जे के जो सचिव है उनसे वार्ता हुआ, और वार्ता में जो भी 2016 का सिलेबस है, ठीक है, हम लोग का मांग था, सभी छात्रों का मांग था कि जो जे का सिलेबस 2016 में था वही सिलेबस को दे दिया जाए, ठीक है। और जो जे के सचिव है यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो सचिव है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग का मंडे को सिलेबस आप लोग का नया देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोग को 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। यही बात आज हुआ था। तो दोस्तों, कुल मिला के आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग 2016 में जो भी सिलेबस दिया था वो आप लोग पढ़ना है, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। और जेक के जो सचिव है उन्होंने आश्वस्त ये भी किया कि जो 2016 का सिलेबस है उसमें कुछ ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आप लोग समझिए कि ये जो सिलेबस आप लोग जेक के द्वारा जारी किया गया है वो चेंज होगा, और 2016 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा, और इसी के अकॉर्डिंग होना भी चाहिए। अगर नई सरकार जेक नहीं करती है तो हम लोग फिर से जाके प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और सिलेबस को चेंज करवा के हर हाल में रहना है, ठीक है। तो आज का यही अपडेट था। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलिए जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग का वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।